Okay, next one, what is the out of that examples? Again, first of all, we are providing two variable declarations, variable x and y. Next one, we are providing pointer declaration. That's why in total process, there are three variables are available, x, y, and p. First of all, providing declarations for x, declaration for y, declaration for p. Next one, execution. जैसे first statement का execution complete होगा, x is initialized by 10, y is initialized by 20. Similarly, p is initialized by address of x. According to memory expansion, address of x is 100. इसलिए p में कैसा हो जाएगा 100. p के respect में p immediately point किसको करेगा? Location 100 को. इस केस में अब star p किस location का नाम होगा? Currently p के केस में बात करना, आपको identify क्या करना, what is the location star p. Star p is similar to p के प्लेस पर क्या सकता है, p का वैल्यू 100, सिमिलर टू स्टार 100, और स्टार 100 उस लोकेशन का नेम होगा जिस लोकेशन का मेमोरी एड्रेस 100 है. इसलिए स्टार p किसके सिमिलर है, सिमिलर टू x. दिस लोकेशन इज कॉल्ड एज स्टार p. मींस x में चेंज करो तो इनडायरेक्टली चेंजेस किस में हो रहे हैं, स्टार p में. स्टार p में चेंजेस करो तो इनडायरेक्टली चेंजेस किस में होंगे, x में. लेकिन दोनों ही नेम्स सेम लोकेशन के लिए असाइन हुए एज 100 लोकेशंस. नेक्स्ट वन प्रिंट f. प्रिंट f के रिस्पेक्ट में सिंपली प्रिंट क्या कराया इसे, वैल्यू ऑफ x, x इज 10, y इज 20 अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार p, स्टार p को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो p के प्लेस पर क्या आएगा, p का वैल्यू व्हिच इज 100, और डायग्राम में भी क्लियर हो रहा है स्टार p में क्या हो रहा है 10, स्टार 100 में भी क्या स्टोर है आल्सो 10. इसलिए फाइनल आउटपुट क्या 10 20 10 10 20 एंड 10. नेक्स्ट वन स्टार p इक्वल्स टू 1. स्टार p इक्वल्स टू 1 इज सिमिलर टू स्टार 100 इक्वल्स टू 1. वी वन उस लोकेशन में सन होगा जिसका नेम स्टार 100 है, स्टार p. स्टार p सिमिलर टू एग्जैक्टली x. नाउ दिस लोकेशन इज कंसीडर्ड एज 1. मींस जब स्टार p में 1 असाइन किया तो इनडायरेक्टली चेंजेस किस में हुए, x में, क्योंकि करंटली x p के पास एड्रेस किसका है, x का. सेकंड थिंग, सेकंड केस में p में क्या असाइन कराया गया, एड्रेस ऑफ y. अकॉर्डिंग टू डायग्राम y का एड्रेस फाउंड हो रहा है 98. मींस पॉइंटर केस में ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि इनिशियली अगर x का एड्रेस असाइन किया था, नहीं, ओवरऑल प्रोग्राम में ओनली x को पॉइंट करेगा. मींस पॉइंटर के थ्रू कोई भी वेरिएबल या सिमिलर टाइप का वेरिएबल पॉइंट कराना पॉसिबल. जैसे x पॉइंटर का टाइप क्या है, इंटीजर पॉइंटर. इसलिए इसके अंदर किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना पॉसिबल. इसलिए सेकंड केस में क्या असाइन करा, एड्रेस ऑफ y. y का भी टाइप क्या था, ऑल्सो इंटीजर. डायग्राम के अकॉर्डिंग y का एड्रेस क्या है, 98. इसलिए इस प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे, है यार 98. मींस प्रीवियस केस में p का वैल्यू क्या था, 100. अब p का न्यू वैल्यू क्या है, 98. जब p के केस में 100 स्टोर था, देन p किसको पॉइंट कर रहा था, 100 लोकेशन. इसलिए स्टार p किसका नाम था, लोकेशन 100. अब p के केस में क्या है, 98. इसलिए पॉइंट किसको करेगा, 98 लोकेशन. मींस इनडायरेक्टली y. अब स्टार p किसके सिमिलर है, p के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे, p का न्यू वैल्यू 98. इट इज सिमिलर टू स्टार 98. दैट्स व्हाई दिस लोकेशन इज कंसीडर्ड एज स्टार p. रिमूव इट. मींस स्टार p कैसा थिंग्स है, चेंजेबल. मींस स्टार p डिपेंड करेगा करंटली किस लोकेशन के एड्रेस को पॉइंट करा, उसी लोकेशन का नेम क्या होगा, स्टार p. नेक्स्ट वन प्रिंट f. प्रीवियस केस में आप चेक कर सकते हो एक्स और स्टार पी दोनों के वैल्यू कैसे थे, सेम 10 10. बट इन दैट केस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 1, वाई, वाई का वैल्यू क्या है 20, स्टार पी, स्टार पी का भी वैल्यू क्या है ऑल्सो 20. स्टार पी मीन्स पी के प्लेस पर क्या है 98, स्टार 98 में क्या स्टोर है 20. इसलिए क्या आएगा 1 20 20. नेक्स्ट वन अगेन स्टार p इक्वल्स टू 2. प्रीवियस केस में स्टार p में जब 1 असाइन किया था तो इनडायरेक्टली चेंजेस किस में हुए थे, x में, क्योंकि p के पास एड्रेस किसका था, x का. करंटली p के पास एड्रेस किसका है, y का. जब स्टार p में चेंजेस करो तो इनडायरेक्टली चेंजेस भी किस में होंगे, ऑल्सो y. मींस स्टार p, इन दैट केस स्टार p के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर सकते हैं, p के प्लेस पर क्या जाएगा 98, क्योंकि p का वैल्यू क्या है 98 इक्वल्स टू 2. टू उस लोकेशन में आसान हुआ जिसका नेम 98 है, सॉरी स्टार 98 है, और स्टार 98 किस लोकेशन का नेम हुआ जिसका एड्रेस 98 रहा हुआ. तो फाइनली 98 लोकेशन में क्या आसान हो जाएगा, न्यू वैल्यू एज 2. तो स्टार पी में 2 आसान किया तो इनडायरेक्टली चेंजेस किस हुए, वाई में, क्यों, करंटली पी के पास एड्रेस किसका है, वाई का. तो नेक्स्ट टाइम अगेन प्रिंट एप के थ्रू सेम वैल्यू डिस्प्ले कराएं, एक्स वाई.
एक्स में क्या है 1, वाई में क्या है 2। थर्ड केस में क्या है स्टार पी, स्टार पी के केस में पी के प्लेस पर क्या आएगा, पी का वैल्यू 98 और स्टार 98 के प्लेस पर क्या आएगा, स्टार 98 की वैल्यू विच इज 2 मीन्स 1 2 2 द आउटपुट ऑफ करंट प्रोग्राम।